ये देखो, ऊपर का कोट अलग, पैंट अलग, क्योंकि इसका कोट है नहीं। और अब आ गया बारिश का मौसम सुपरमैन बनना पड़ेगा। अब ऑफिस, सुपरमैन सलमान का फैन। नहीं। ये देखो, इधर सुपरमैन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे फ्लाई करेंगे, है ना? सुपरमैन की गाड़ी नीचे। तुमने ऊपर से नहीं पहना अंडरवेयर? चलो बैग, और ये नीचे दूसरा पैंट है क्योंकि इसका तो है ही नहीं जोड़ीदार। चलो थे कहलो आज। अब ये जा रहे हैं, फिर उधर से पापा का कुछ काम है, वो करके ऑफिस जाएंगे। ना पहन के आने के बावजूद भी सब गीला हो गया, पैंट भी हो गई, इधर पूरा पैंट गीला हो गया, बट तो बचा हुआ लेकिन सब कुछ गीला हो गया। यहाँ पे मास्क भी पूरा भीग गया है। क्या क्या बचा है जब बारिश में बताओ। भी हुआ एक कांड, मैं आपको बताऊंगा बाद में जब बिल्कुल साथ में। तब ये वही ब्रिज है यहाँ पे, वो लड़की बैठी हुई थी और यहाँ से कूदने, मतलब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे बैठ के वो जो भी कर रही थी वो कर रही थी। तो मैं ऑलवेज वो ब्रिज ऊपर से लेता हूँ और यहाँ पे आया, यहीं कहीं पे था वो, शायद वो पुल के बगल में था, यहीं पे ऊपर से जाता हूँ हमेशा। तो वो वहाँ बैठी थी और फिर मैंने वहाँ ही उसको पकड़ा, ये ब्रिज के ऊपर से। तो ये कैम्स कॉर्नर का ब्रिज है यहाँ पे। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी गिरते तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और गलत जगह गिरते सर्वर के साइड में तो प्रॉब्लम हो जाता। तो ये है यहाँ पे रोड है, मतलब नीचे ना रोड आते जाते रहते। सो ये यहाँ पे ग्रैंड रोड स्टेशन है, वहाँ पे पीडीपी पार्क है, पैडल रोड, यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये मतलब चार पांच रोड के बीच में से ये ब्रिज जाता है। तो ब्रिज के ऊपर ही हुआ था। वहाँ पे ना सुबह में बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, ट्रैफिक इतना नहीं था। तो ये सुबह तकरीबन 11:30 बजे, 11:30-12 बजे जब मैं पापा को छोड़ के रहा था तब हुआ था, सुबह के टाइम पे ये ब्रिज पे। सो और मैंने पूरा रेनकोट पहना हुआ था, मैं पूरा भीग गया था और बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा टफ था। तो अभी चलते घर, घर चल के मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। वही स्पॉट है यहाँ पे, ये जो लैंप है ना, ये लैंप के बगल में यहीं पे वो बैठी थी ऊपर, मतलब वो साइड पैर लटकाई ले थी और 75% नीचे थी। ये पैडल रोड का रोड है, यहाँ पे आके पता नहीं कहाँ वो बैठी थी यहीं पे। और यहाँ पे यहाँ से एक लेडी कांस्टेबल थी, ट्रैफिक लेडी कांस्टेबल, जो कि यहाँ पे खड़े थे। और मैं यहाँ से आया, मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पार्क की, पार्क मतलब मैंने देखा तुरंत और गाड़ी तुरंत स्टैंड पे लगा दिया और उतर के फिर मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वो यहाँ पे बैठी थी और मैं धीरे धीरे आ रहा था, मेरी तो फट रही थी लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके हो गया। और दो चार लोग और थे, वो भी थोड़ा आगे आ रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब अरे कुछ भी हो सकता है। इसका डेप्थ मैं दिखा दूँ आपको, मतलब कितना नीचे है ये, इतना ही नीचे, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है ये ब्रिज की डेप्थ। सो कुछ भी हो सकता था, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती थी। सो गाइस, इसके पहले का जो आपने वीडियो देखा वो शायद आपको समझा नहीं होगा मेरा, मुझे खाली आपको उस प्लेस की लोकेशन दिखानी थी और वो कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ वो बता रहा था मैं, ऊपर ऊपर से शॉर्ट में मैंने बता दिया। सो अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। मैं सुबह पापा को छोड़ने गया था अमरसन गार्डन के वहाँ पे। सो मैं पापा को वहाँ पे छोड़ दिया और सुबह बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, पापा को ड्रॉप किया और फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ रहा था। तो पैडल रोड का रोड लेके मैं आ रहा था और मैं जैसे ही ब्रिज था वो ब्रिज पे हल्का सा ही चढ़ा, 5 मीटर ही चढ़ा, और मैंने साइड में देख लिया कि एक लड़की थी जो ड्रेस पहनी थी, अराउंड तकरीबन 25 से 30 के बीच में होगी और थोड़ी सी हेल्दी टाइप थी, वो ब्रिज पे चढ़ के मतलब ऐसे कूदने का कोशिश कर रही थी। मुझे पता नहीं मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उससे 10-20 कदम गाड़ी पहले ही रुका दी साइड में, और ट्रैफिक इतनी नहीं थी, गाड़ी अपने आप से चल रही थी, रुक नहीं रही थी गाड़ी, तो मैंने साइड में खड़ी कर दी गाड़ी और मैं रुक गया और देख रहा हूँ लड़की रोए जा रही है, रोए जा रही, पता नहीं क्या रीज़न से रोती जा रही है। सो मैं इस तरफ से जा रहा था, मैं अपने रोड पे जा रहा था, बीच में लड़की और प्लस वो साइड से अपोजिट साइड से वहाँ से एक लेडी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आ रही थी, वो आ ही रही थी उस तरफ से फिलहाल, मतलब उसने कुछ कहने आ रही थी धीरे धीरे, और मैं इधर से रुक गया और मैं देख रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली वो लड़की रोए जा रही है। तो एक टाइम पे मतलब मेरी हिम्मत हुई कि वो उस तरफ जब देख रही थी लेडी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के पास, तो मैंने इस तरफ से ऐसा सोचा कि उसको जाके पकड़ के खींच लेता हूँ अपनी तरफ, मैं बचा लेता हूँ उसको। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ऐसा मतलब ऑल ऑफ सडन में एक ऐसा क्लिक हुआ और ये हो गया, अरे यार कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं बचाने जाऊँ गिर सकती है नहीं गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरा हाथ लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे वजह से वो गिर गई बेचारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने मतलब
ये चीज हाँ, फिर मैं वो चीज में फट से सोच लिया और फिर बाद में तो आपको पता है कि मतलब बचाने गया, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था, बचा रहा था, लेकिन वो बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है ऐसा, तो फिर मैं खुद को भी कोसता और पब्लिक भी मुझे कोसती कि तू क्यों हीरो बनने चला, क्या है ये। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा टाइम गया नहीं, 10 मिनट हो गए अप्रॉक्स वो रो रही है। फिर एक अंकल आए थे कार में, उन्होंने अपनी कार भी साइड में लगाई और वो अंकल डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टर अंकल उतरे, बुजुर्ग थे, आई गेस 50 के अबाव ही होंगे, थोड़े से एजेड थे, और रुके और वो अपना हाथ वाथ जोड़ रहे हैं वो लड़की से, क्या बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो भी वो कुछ बता नहीं रही थी, लड़की खाली रोए जा रही थी। तो डॉक्टर अंकल आगे आगे आ रहे थे और कुछ लोग उस तरफ से, 2-3 लोग साथ में आगे आगे आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़की ने पीछे नहीं हटी और उल्टा आगे जा रही थी गिरने के लिए, मतलब एकदम एज पे आ गई थी, बोल रही थी पास मत आओ नहीं तो कूद जाऊंगी। तो हम लोग की तो बहुत फट रही थी, कुछ लोग उस तरफ थे, मैं और 3 लोग हम लोग इस तरफ थे, तो मेरी तो बहुत ही फट रही थी, मैं खाली देख रहा था मतलब क्या होगा। फिर बाद में क्या हुआ, एक स्विगी वाली लड़की आई, स्विगी ऑर्डर रहता है ना, स्विगी वाले जो डिलीवरी करते हैं उसकी एक लड़की है, उसने भी मेरे एक्टिवा के बगल में अपनी गाड़ी लगाई और वो भी साथ में हम लोग के खड़े हो गए। तो फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो उस तरफ लड़की का जब ध्यान था तो हम लोग कांस्टेबल से और वो डॉक्टर अंकल से बात कर रही थी, तो मैं और वो स्विगी वाली लड़की धीरे धीरे हम लोग आगे गए, तो हम लोग ने बात करी कि खींचे क्या। तो फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे गए और आगे जाके फिर वो स्विगी वाली लड़की ने इस तरफ से और मैंने हाथ डाल के दोनों ने हम लोग ने उसको पकड़ के खींच लिया इस तरफ के ब्रिज के ये तरफ उतार लिया। फिर जब हम दोनों ने खींच के उसको उतार लिया यहाँ पे, फिर वो बहुत तेज़ रो रही थी, बोल रही थी हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बहुत बदनामी होगा, ये होगा। तो मतलब हमने पूछा कि इसकी करने की ज़रूरत क्या है ना आप, फिर वो मतलब शायद बहुत परेशान थी, रो रही थी कंटिन्यू। तो फिर वहाँ पे फिर वो लेडी जो ट्रैफिक कांस्टेबल थी, उन्होंने ऑलरेडी फ़ोन कर रखा था अपने पुलिस स्टेशन में, सो बाद में 2-3 वैन पुलिस की आई, फिर उसको लेके गए पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे शायद एक मलबार हिल का 3 बत्ती वाला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ले गए होंगे या तो फिर गामदेवी पुलिस स्टेशन ले गए होंगे। उसके बाद मैं, बहुत बारिश हो रही थी, मैं उसके बाद वहाँ से ऑफिस से निकल गया था। तो हम लोग यही पूछ रहे थे उसको कि मतलब इतना क्या प्रॉब्लम है आपको, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये सब फालतूगिरी, इससे क्या ही होने वाला है ना, आप चले जाओगे तो फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगा और क्या है, क्या बीतेगा उन्हीं को पता है कि कैसे होगा क्या होगा, जो भी राज होता है सब कुछ आप अपने साथ लेके जाओगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप मतलब ये सब कैसे सोच भी सकते हो, आगे पीछे नहीं सोचना होता, क्या घर पे कोई नहीं है, कभी ऑप्शन होता नहीं है, मतलब उसके अलावा आपके पास 100 ऑप्शन है, बट कभी कभी होता है वो बस 2 सेकंड की टाइम रहती है जहाँ की आपका ना मेंटल प्रोसेस उस वक्त आपका साथ नहीं देता और इंसान वो कदम ले लेता है। अब और बाद में उसके वजह से बहुत तकलीफ होती है, आगे पीछे सबको ही तकलीफ होती है, और जो तकलीफ उसको हुई थी वो तकलीफ उस अपने साथ लेके जाते। तो सबसे बेस्ट है ये कि आप लोग उस पर सोल्यूशन करो, पॉसिबिलिटीज पे काम करो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अच्छा चीज़ कर सकते हो उस पर काम करो, ये सब ये सोल्यूशन नहीं है सुसाइड करना या जान देना, मतलब ये नहीं है। आप होता है कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, तो उसको शेयर करो दूसरों के साथ, उन दूसरों से बात करो अच्छे से, उसको सलूशन निकालो, जान देना सलूशन नहीं है। ये हमारे घर के बाहुबली आ गए सिलेंडर लगाने के लिए, मतलब घर का मैकेनिक, फिर सिलेंडर लगाने वाला, ड्राइवर और क्या हेल्पर, प्यूर मैनेजर, ऑफिस बॉय, सब कुछ। यहाँ पे मैनेजर भी खुद है, प्यून भी खुद है, बॉस भी खुद है, ऑलराउंडर। गाइस आप लोग को नहीं आता है तो सीख लो, मैं तो वैसे नहीं सीखने वाली हूँ, बता रहा हूँ देखो कैसे लगाते हैं गैस का, ठीक है। आप लोग को बता दूँ ये है, ये पहला स्विच इसको बंद करना है, ठीक है, चालू रहता है, इसको ऐसे घुमा के बंद कर देना, फिर ये जो है ना नीचे का लाइन ये वाला, इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुश करना है, ठीक है, इसको ये लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ पुश करना है और इसको हल्के से ऐसा ढकेलना है, जाम है, ये निकल गया, ठीक है, रेगुलेटर, अब ये रेगुलेटर निकल गया, मम्मी इसके साथ जो भी सुलूक करेगी करेगी, उसको मारेगी पिटेगी, बोलेगी क्यों खत्म हो गया रे, मम्मी बोल रही जल्दी खत्म हो गया। और ये वाला देखो, ये वाले ये ऐसा 4 महीने में 3 सिलेंडर खत्म हुआ है, आता ही है। इसका सील है, ये सील को ऐसे खींचने का रस्सी, इसको बाहर की तरफ ऐसा खींचने का रस्सी को बाहर, खुल गया। अभी इसको हम लोग ऐसे उठा लेंगे, ये वाला ये पार्ट को ऐसे ऊपर की तरफ स्प्रिंग के उठा के इसके ऊपर रख के इसे जोरों से दबा देंगे। तो ये बताओ इतना मेहनत का काम है और कैसे हम लोग करें? अच्छा इतना मेहनत, 2 मिनट में लगा, 30 सेकंड में लगा देता मैं तो। अभी ये लग गया और इसको ऐसे एक बार उठा के चेक करना है हील बिल रहा है कि नहीं, और फिर ये चालू कर दिया, फिर इधर से ये गैस चालू करके जरा ये भी बता दो पका के। तो नहीं आता।
इतनी रोटी बनी थी और तब तक गैस खत्म। बाप रे बाप, गर्मी हो गया यार इतने में। इन लो पकड़ो, चलो मेरे को बनाने दो। यार ये सब तो रख दो। क्या तुमने निकाला, तुम रखो। अरे हमारे पिताश्री आओ, पूजा करोगे? पाओ कहाँ करोगे, इधर ही कर लो, धो लो। तो अभी ये पॉपकॉर्न बनेगा, फिर सब में बटेगा। राई का तेल में कर रही है, मीठा तेल में। मम्मी बोली राई का तेल पहले करो, मीठा का तेल कर मार लगाओ। वो भी तेल, कोई भी तेल ना तो ऐसे चलता है। नहीं राई में वो आता है ना, राई का स्मेल। हाँ। पहले नमक ही डालने का मम्मी। उड़ेगा, उड़ता है। अरे अभी नहीं उड़ेगा यार, इसको इससे आता है आवाज। इसमें काफी टाइम हो गया, कुछ इसमें आवाज आ नहीं रहा भाई साहब। जिंदा उंदा हो? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है मम्मी। कल लगाने का आता है ना, कितना ये उड़ेगा मम्मी। मम्मी उड़ता है ऐसे फटर फटर। रख 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 रख, बंद कर बंद कर बंद कर, उड़ेगा। ये पता नहीं क्या यार, ये पॉपकॉर्न फूट नहीं रहा है, काफी टाइम हो गया इसमें। करके पता चला इसको बॉइल वॉइल करके अलग तरीके से खाते हैं क्या? कौन बराबर? हाँ पॉपकॉर्न तो फूटना चाहिए, लगता है ये बुजुर्गों वाला है, मतलब दादाजी के जमाने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, हेल्दी होगा। नहीं मम्मी, ढक्कन लगाने से कुछ नहीं होता। अरे हम लोग बनाते हैं ना। अरे फूट जाएगा मम्मी। हो रहा है, मत लगा ढक्कन। पैक मत करो। करने दे। नहीं गैस बन जाएगा, फिर फूट जाएगा। हाँ ऐसे ही रख, बस ऐसे ही रख। हाँ नहीं बॉस, इसमें सिटी नहीं होता है, पॉपकॉर्न अलग बनता है। पॉपकॉर्न में ना सिटी। अभी होएगा, उसको टाइम लग रहा है ना। हो रहा है मम्मी, हो रहा है। ये मम्मी उड़ेगा, बंद कर, उड़ेगा मम्मी। बन गया। हो ये उड़ा। ओ माय गॉड, उड़ा। खा के देखे मम्मी कैसा लग रहा, दिखा। ठीक है, जल गया रे। जार जानी जवान बूढ़ा। हाँ, मैं तो उधर गई थी। मम्मी जला दी। इसलिए मैं दूर खड़ी हूँ। मम्मी जला दी। हाँ दिखा। चुप। ये जल गया, पकड़ लिया। तेल कम था लगता है। इतना सारा पॉपकॉर्न लेके अभी जा रहे हम लोग पिक्चर देखने को। पिक्चर देखेंगे, कौन सा पिक्चर देखेंगे बुलू? अपने व्लॉग भी देखते हैं हम लोग। अपने व्लॉग भी मम्मी ये वाला जला नहीं। ऐसे कहा थे कर तेल ना कर तेल। तो ये मम्मी बोल रही है कि राई के तेल में ऐसे होता है, मीठे तेल में वैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पे सबकी पॉपकॉर्न पार्टी चल रही है। मनीषा आई अभी जॉब पे से। कहाँ रे बैग? बैग में कुछ है मम्मी लगता है। वो खुद भी पॉपकॉर्न खा रहा है, उधर पॉपकॉर्न रख के अपना अभी हम लोग का ले रहा है। झगड़ा करेगा। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन एवरीवन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बगल में एक बेल का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा। और लाइफ में ऐसे फालतू कदम बिल्कुल भी मत उठाना, कभी नहीं। कुछ ऐसा रहेगा तो दूसरों से बातें करो, उनके साथ शेयर करो, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, पॉसिबिलिटीज पे काम करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।